सर, खासकर बात करें नगर निगम चुनाव गुड़गांव में अभी होने वाले हैं, और यहाँ पर आप, हमने सुना है कि मेयर का चुनाव भी लड़ोगे, और क्या कांग्रेस अपने चिन्ह के ऊपर अभी यहाँ पर इलेक्शन लड़ाएगी? देखिए, सबसे पहले मैं आपके सभी दर्शकों का अभिवादन करता हूँ, नव वर्ष की शुभकामनाएं। थोड़ा लेट हो गए आप लोगों से मुलाकात, लेट हुई, और 26 जनवरी की आप सभी को और पूरे गुड़गांव वासियों को शुभकामनाएं। देखिए, जैसा कि अभी पीछे भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी हमारे नेता आए थे गुड़गांव, तो उन्होंने स्पष्ट तौर पर कह दिया कि निगम के चुनाव सिंबल पर होंगे, जो कि बिल्कुल तय है, जो है तो होगा। और जहाँ तक संबंध है मेयर के चुनाव की, गुड़गांव में एक चीज़ की तो आपको मैं गारंटी दे रहा था, इस बार मेयर कांग्रेस का बनने जा रहा है, और मैं गुड़गांव की जनता से एक आपके माध्यम से आग्रह करना चाहता हूँ कि जितने भी पार्षद हैं, अभी 35 वार्ड थे जो कि 40 होने वाले, इन सभी पुराने बल्बों को बदल दो, ये बहुत बिजली खाते हैं। बिजली का मतलब आप लोग समझ रहे हैं, अब नए लोगों का ज़माना है, LED का ज़माना है, तो नए लोगों को मौका दो, साफ़ सुथरे लोगों को, क्योंकि आप देखिए जो आज कई बार पार्षद बन चुका, एक बार, दो बार, चार बार, जब वो पहली बार आपके पास आया था तब उसके पास क्या था और आज उसके पास क्या है। यहाँ के सभी पार्षद आप देखिए 50 लाख की गाड़ी, 1 करोड़ की गाड़ी, अरे धक्के खा रहे हैं लोग एक छोटे से सिग्नेचर करवाने के लिए। आज ये हालात हो चुके हैं गुड़गांव के, लूट का अड्डा बन चुका है। सभी पार्षद, मैं किसी एक पार्षद का नाम नहीं, अपनी ड्यूटी को सही ढंग से अगर निभाते तो आज गुड़गांव का ये हाल ना होता। कोई लिख रहा है आओ बनाया गुरुग्राम को स्वच्छ, तो आपने इस 5 सालों में स्वच्छ नहीं बनाया, अब बनाओगे क्या स्वच्छ? या कोई पर्यावरण की बात करता, अरे भाई सरकार पूरे तरीके से फ्लॉप हो चुकी है, आने वाला समय कांग्रेस का है, सभी पार्षद कांग्रेस के बनने जा रहे हैं और मेयर, पूरी मेयर टीम कांग्रेस की बनना तय है। धन्यवाद। की लेटेस्ट खबरें जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें।